अपना ही घर प्यारा। एक बहुत ही सुंदर हंस अपने दूसरे हंस मित्रों के साथ एक झील में रहता था। वहाँ और भी बहुत से छोटे हंस रहते थे। उस सुंदर हंस को प्रत्येक हंस आदर व सम्मान देता था, क्योंकि वह बहुत ही शाही दिखता था। वह सुंदर हंस चारों ओर तैरता फिरता था, क्योंकि उसके अन्य हंस मित्र उसके लिए भोजन लाना पसंद करते थे। वे सब हंस उसके साथ खेलते और उछल कूद करते समय प्रसन्न होकर कहते थे, एक दिन हम भी तुम्हारी तरह होना चाहेंगे। फिर एक दिन कहीं दूर से एक उल्लू वहां आ गया। उसने झील के किनारे खड़े एक पेड़ के बड़े से छेद में अपना घर बना लिया। अब वह सुंदर हंस और उल्लू अच्छे मित्र बन गए। उल्लू सुंदर हंस को संसार के चारों ओर की कहानियां सुनाता था। कुछ महीनों बाद उल्लू फिर अपने किसी दूसरे घर में वापस चला गया। वास्तव में उल्लू के बहुत से घर थे, क्योंकि वह पूरी दुनिया में दूर दूर एक जगह से दूसरी जगह अपना भोजन ढूंढने के लिए चक्कर लगाता फिरता था। शीघ्र सुंदर हंस भी सारी दुनिया देखना चाहता था। वह उल्लू के दूसरे घर पर पहुंचकर उससे मिला। सुंदर हंस को अपने मित्र उल्लू का दूसरा घर ज्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर भी उस पेड़ के नीचे रहने लगा, जिस पेड़ के तने के छेद कोटर में अब उल्लू रहने लगा था। एक दिन उल्लू ने कुछ शिकारियों को देखा। उसने जल्दी से अपने आप को उस पेड़ के कोटर में छिपा लिया। परंतु सुंदर हंस के पास अपने को छिपाने की कोई जगह न थी। शिकारियों ने सुंदर हंस पर अपने तीर छोड़ने शुरू कर दिए। उनमें से एक तीर ने उस सुंदर हंस को घायल कर दिया। अपनी घायल दशा में सुंदर हंस सोचने लगा, अपने उन अच्छे मित्रों के लिए जो झील में उसके साथ रहते थे। उस समय को जो उसने खुशी व प्रसन्नता से उनके साथ बिताया था, और उसको प्रिय जानने वाले वे छोटे हंस। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा: सच है, चाहे हम पूरी दुनिया घूम लें, परंतु अपना घर तो अपना ही होता है, जहां हर प्रकार से सुंदर हंस के लिए खुशी, रक्षा और अच्छी दशा थी।